आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने रेलवे रिजर्वेशन काउंटर निरंतर चालू रहने को लेकर रेल मंत्री को लिखा पत्र। रेलवे स्टेशन पर रेलवे रिजर्वेशन काउंटर वर्तमान में संचालित हो रहा है, लेकिन इंदौर खंडवा ब्रॉडगेज के कार्य के कारण मीटर गेज की रेल बंद कर दी गई है, किंतु सूचना प्राप्त हुई है कि इस वजह से रिजर्वेशन काउंटर बंद किया जा रहा है। इसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर रिजर्वेशन काउंटर निरंतर चालू रखने का आग्रह किया है। पत्र में दर्शाया गया कि नगर की आबादी करीब 28,000 है व आसपास ग्रामीण क्षेत्र लगा हुआ है। वहीं CISF का बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी है, जिसमें देश भर के कई जवान ट्रेनिंग के लिए आते जाते हैं। साथ ही समीप ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग व पर्यटन नगरी महेश्वर है, जहां देश विदेश से पर्यटन के लिए काफी लोग आते हैं। इसके लिए बड़वाह में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर की अत्यधिक आवश्यकता है, जिसे निरंतर चालू ही रहने दिया जाए। आजाद न्यूज के लिए बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। बड़वाह में जैसे पिछले दिनों कई दिनों से चर्चा सुनने में आ रही थी कि रेलवे बोर्ड जो है वो स्टेशन के साथ साथ अपना रिजर्वेशन सेंटर भी बंद कर रहा है, क्योंकि बड़वाह जंक्शन में जहाँ से ओंकारेश्वर सना हुआ आस पास का ग्रामीण क्षेत्र सबसे बढ़कर हमारे यहाँ जो CISF में लोगों को पूरे देश के लोग आते हैं और इनको बाहर जाने के लिए एकमात्र ये नज़दीक रिजर्वेशन सेंटर था, जहाँ से सभी लोग अपने गंतव्य का रिजर्वेशन करा लिया करते थे। अगर इसको रेलवे बोर्ड बंद करता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ेगा सभी लोगों को, और इंदौर और खंडवा के रिजर्वेशन सेंटर का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए हमने रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया है, हमने माननीय रेल मंत्री जी को भी लिखा है और अपना जो कमंडल है वहाँ पर दोनों जगह पत्र लिख के और मांग की है कि बड़वाह के रिजर्वेशन सेंटर को कंटिन्यू किया जाए, ताकि लोगों को बड़ी असुविधा से बचाया जा सके।